students. The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stone, and they did not like it. They used to wander around the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. Then the spring came, and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. The birds did not care to sing in it as there were no children, and the trees forgot to blossom. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children. That it slipped back into the ground again and went off to sleep. The only people who were pleased were the snow and the frost. Spring has forgotten this garden. They cried, so we will live here all the year round. The snow covered up the grass with her great white cloak, and the frost painted all the trees silver. Then they invited the north wind to stay with them, and he came. He was wrapped in furs, and he roared all day about the garden and blew the chimney pots down. This is a delightful spot, he said. We must ask the hail to visit. So the hail came. Every day for 3 hours, he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant, as he sat at the window and looked out at his whole white garden. I hope there will be a change in the weather. प्यारे बच्चों, जब सेल्फिश जाइंट ने अपने गार्डन के बाहर बोर्ड लगा दिया कि बगैर इजाजत के जो अंदर घुसेगा तो उसको सजा दी जाएगी, तो बच्चे बड़े परेशान हो गए क्योंकि अब गार्डन में नहीं जा सकते थे, लेकिन वो बेचारे बाहर रास्तों पर खेलने लगे क्योंकि उन्हें खेलने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन रास्ते भी बड़े डस्टी थे धूल मिट्टी में, तो जब उनके लेसन ओवर होते थे तो उन रास्तों पर भी वो खेलते थे, मगर बड़े परेशान हो गए और अपने गार्डन के दिनों को याद करने लगे कि हाउ हैप्पी वी वर देयर, यानी हम गार्डन कितने खुश थे। इसके बाद गार्डन का भी हाल कुछ ऐसे हो गया कि वहाँ पर बच्चों के ना होने की वजह से वहाँ जब स्प्रिंग का मौसम आया उस एरिया में, तो एरिया के हर तरफ स्प्रिंग का माहौल था, बाहर का माहौल था, लेकिन सिर्फ गार्डन ही एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पर ना तो फूल खिले, ना तो दरख्तों पर फल लगे और ना ही वहाँ पर हवाएं चल रही। इस तरीके से जो है तो गार्डन पूरी तरीके से वीरान हो गया, और गार्डन में सिर्फ कौन खुश था, सिर्फ दो लोग वहां पर खुश थे, और वो थे स्नो और फ्रॉस्ट। स्नो यानी कि बर्फ, और फ्रॉस्ट जो बर्फ के जरात थे। अब ये लोग बड़े खुश थे कि अब सिर्फ हमारा ही यहाँ पर राज रहेगा और कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। उसके बाद में उन्होंने नॉर्थ विंड को भी वहां पर बुला लिया, फिर वो साथ में रहने लगे। नॉर्थ विंड के बाद में उन्होंने वहां पर हेल को, यानी कि ओले, हेल को भी वहां पर बुला लिया, और फिर उसके बाद ये चारों लोग वहां पर रहने लगे, बड़े मजे करने लगे, लेकिन स्प्रिंग का मौसम वहां पर नहीं आया। उसके बाद एक मरतबा उस जायंट के जहन में ख्याल आया कि व्हाई द स्प्रिंग इज सो लेट, बाहर का मौसम इतना लेट क्यों हो गया। वो सोचने लगा कि अब तक तो बाहर का मौसम आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया। फिर जायंट ने अपने कैसल के बाहर नजर डालकर देखा, तो बाहर वो देखता है कि आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, कि मुझे उम्मीद है कि वेदर में कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी।
जो ये यहाँ पर सब कुछ वीराना है, उजाड़ है, इसमें कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी और बाहर का मौसम आएगा, उसको इस तरीके से कुछ उम्मीद लग रही है। अगले पार्ट में हम इस लेसन को और मजबूत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।